आज मैं आपको जुबेर सैयद जी के पसंद का गाना सुनाने जा रहा हूं, मेरे रस के कमर। राहत फतेह अली खान जी का गाया हुआ है, उम्मीद करता हूं ये आपको भी पसंद आएगा। इस गाने को मैं सी स्केल पर बजाने जा रहा हूं, ताल है कहरवा। गाने के बाद इसका ट्यूटोरियल पार्ट भी आपको बतलाऊंगा। जहां भी परेशानी हो कमेंट में पूछ सकते हैं। गाना पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। गाना बहुत ही आसान है। अस्थाई के बाद अंतरा का दो लाइन अगर आपने सीख लिया तो लगभग संपूर्ण गाना बस उसी नोटेशन पर आधारित है। थोड़े से ऑर्नामेंटेशन ऑफ म्यूजिक, जो भी आप जो सीखने वाले हैं थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर सीखे ऑर्नामेंटेशन ऑफ म्यूजिक के बारे में जानते हैं तो खूबसूरती के लिए उसे लगा सकते हैं। लीजिए सुनिए गाना और फिर उसके बाद इसका ट्यूटोरियल पार्ट आपको बतलाऊंगा। Thank you.
थैंक यू फ्रेंड्स। अब इसका ट्यूटोरियल पार्ट आपको बतलाने जा रहा हूं। तार सप्तक का सा लगा है, देखिएगा। सा सा नी ध ध ध सा नी ध ध ध ध देखिए। प म प सा नी ध ध ध ध रे नी प प म प देखिए। रे गा मा 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 ध ध सा ध प ध प म प म ग ध प म प म ग ध प म म प म ग दो बार है ये। सा नी द ध ध प रे नी प प म प रे ग म म म म ध ध सा ध प म प म ग ध प म प म ग सा नी द ध ध ध रे नी म तीव्र लगेगा, तीव्र मा ये पूरा उंगल के उंगल का देखिए। प प म प तीव्र मध्यम लगेगा, शुद्ध मध्यम में 80% होल बंद रहता है, 20% खोलते हैं। इसमें हम पूरा फिंगर को ऐसे हटा देंगे, तीव्र मध्यम हो जाएगा। ये अगर ऐसे रखे रहेंगे शुद्ध मध्यम हो जाएगा। फिंगर को पूरा राग यमन में जो आप मां लगाते हैं तीव्र मध्यम। धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी धन धनि सा रे 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 गरे धनि सा रे 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 तीन बार रे होगा गरे निधनि सा रे 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 गरे निधनि सा नी सा ठीक है। सा ध म म म तीन बार सा ध म म म म प प नी नी प नी नी रे सा नी ध प नी नी रे सा नी ध पनी नी नी रे सा नी ध म सा सा ध म म म सा ध म म म मा प पनी नी पनी नी रे पनी नी रे सा नी ध पनी नी रे सा नी ध बस यही ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर परेशानी होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोटेशन लिख दूंगा। और अगर आप समझ लेते हैं तो ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। थैंक यू।